आपसे बात कर ले, आपको गुस्सा शांत कर लूं। पहले उसको शांत कर लो, पहले जिससे मिलने जा रहे हो तुम। यार देखो मुझे ना, पागल हो? इतना बार फोन बज चुका है मेरे सामने में और बता नहीं रही है कि कौन है कौन नहीं है। हम बोल रहा हूँ, बता दे मेरे को। तुझे मैं प्यार करूँ और इतना प्यार करूँ। नहीं जाएगी मुझे, जाना पड़ेगा। आप चाहे आप मना करो चाहे हाँ करो, चाहे दो हमारे रिश्ता टूट जाए, पर मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ धमाकेदार सी प्यारी सी वीडियो, और वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मेरा लुक देख सकते हैं, मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। अच्छा, मुझे पता है बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग मेरे से प्यार करते हो तो बोलोगे क्यूट लग रही हूँ, वैसे मैं हूँ। तो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि फिर मजा खराब हो जाएगा ना। तो वीडियो के एंड में मिलते हैं, तब तक लेके बाय बाय, लव यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। देखो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा। हेलो, कैसे हो? हाँ, आज क्यों फोन किया है? जाना के तू ही जमाना मेरा दुनिया के। और अच्छी लग रही हो। चश्मा इसमा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। कहाँ जा रहे हो? कुत्ता ना खा जाए आपको। अच्छा, वो किसी और को दिखाने मैं कहीं जा जाने वाली थी अभी, इसलिए मैं से रेडी होकर आई हूं। इतना जल्दी में क्यों? मतलब अभी तक मतलब मैंने फोन करा कि जल्दी आ जाओ, मुझे कहीं जाना है। अरे बेबी, मेरे को कहीं जाना था। अच्छा तो बताओ ना, मतलब कि बता नहीं सकती मेरे को कहां जाना था? नहीं, इट्स पर्सनल। बाल खराब हो गए। वैसे कैसी लग रही हो ये बताओ, पसंद आ जाऊंगी? अच्छी लग रही है, मतलब सॉरी मतलब कि अच्छी लगती हूँ, मतलब अच्छी लग रही हूँ ना मैं, क्योंकि बहुत मेहनत से लगी है मेरे को यार। लेकिन मेरे को थोड़ा दुख हो रहा है यार कि क्यों? आप अगर कहीं जा रहे हो तो मेरे को बता नहीं रहे हो। बस आपने बोला कि मेरा पर्सनल है, ऐसी कौन किससे मिलने जा रहे हो कि पर्सनल है? अरे है, आप ये फोन रखो, एक सेकंड रुक जाना। क्या देख रहे हो यार? मेरे को ये चीज देख रहे, ये चीज बुरा लगा मेरे को। बेटा फोन रखोगे आप? मेरे को क्या बोल रहा हूँ जाने मन। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? क्या कह रहे हो? कि मेरे को ये चीज़ बुरा लगा कि आप मेरे को बता के नहीं जा रहे हो कहीं भी। बता के नहीं जा रही हूँ? मतलब यार एक होता है ना यार कि मैं मतलब मैं जा हर बात रही हूं। आपको मैं बताता हूँ, आप भी मेरे को हर बात बताते हो। अभी इस बार मतलब जैसे मैंने फोन ये मैं आपने फोन करा, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने बोला मेरा पर्सनल है। और उसमें भी भाई ऐसा कौन सा पर्सनल है कि इतना स्मार्ट बन के मेरे सामने नहीं आई, क्यूट बन के? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये मैं आपको दिखाने के लिए बनकर आई हूँ। बताओ तो कहाँ जा रहे हो, ये तो बता दो यार। मैं जब वहाँ से आऊंगी, जब अभी मैं आ रहा हूँ घर से मैं टेंशन में हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ। चिल्लाओ मत, ये आपको खुद पता चल जाएगा मेरे वहाँ से आने के बाद कि क्या हुआ, कहाँ से आई। मैं तो बता नहीं सकते, इतना इम्पोर्टेंट है तो बता नहीं सकते। वो बहुत पर्सनल है, इतना पर्सनल कि नहीं बता सकते। तो क्यों सैड हो रहे हो आगे? फिर अभी आप आऊंगी वहाँ से, जब आपसे मिलते चलेंगे तो कुछ खाने चलेंगे। यार मेरे को देखो पता है दिक्कत इस बात से है कि आप मेरे को बता क्यों नहीं रहे हो यार कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। अभी आपने बोला कि मिलने आ जाओ, मुझे जाना, और देख रहा हूँ तो भाई पूरा मतलब ऊपर से नीचे पूरा मतलब वो मैं आपको दिखाने बैग चेक करवाइए। बैग क्या चेक करूँगी, ये क्या बात है, आप मेरे को शक कर रहे हो? आप मेरे को बुरा लग रहा है ना, आप मेरे को बुरा लग रहा है ना, आप मेरे को शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहे, लेकिन शक कर रहे हो, आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है।
शक नहीं कर रहा, बट बताना होता है कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। ऐसे अगर मैं रेडी होकर कहीं जाता तो आप मेरे से पूछते कि सुभाष कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हो। ये क्या बोला अभी कि बैग चेक करो? क्या बैग इसलिए चेक करो कि बैग में और कुछ तो नहीं है? ट्रस्ट नहीं है कहीं जा रहे हो? मेरे को बताओ यार प्लीज यार, मैं घुटन हो रही हूँ, जब से आपने बोला है ना घुट रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर। मैंने आपसे क्या फेस तो उधर करो, क्या करने का इरादा है यार? मेरा कुछ नहीं है, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो बस। इतना प्यार से मतलब एक होता है कि यार कहीं भी जा रहे हो आप मेरे को बताओ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है यार। एक मेरे को देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को बता तो कम से कम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो यार। बताती हूँ तुम जो बता दूंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बता रही हो ना, आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? आराम से रहो यार। देखो मेरा मतलब ये है कि आप कहीं भी जाओगे तो मुझे पता होनी चाहिए बस, कि आप कहीं अगर जा रहे हो किसी से मिलने जा रहे हो तो मेरे को बता दो ना यार। देखो एक रिलेशन में ना इतना भी फ्रीडम होना चाहिए कि मतलब कहीं जा रहे हो तो इतना नहीं। अगर फ्रेंड से मिले जा रहे हो तो फोन तो उठाओ। किसका? अरे वही जिनसे मिलने जा रहे हो। तो बात तो करो मेरे सामने में। कर रही हूँ आपसे बात कर ले, आपको गुस्सा शांत कर दूं। पहले उसको शांत कर लो, पहले जिससे मिलने जा रहे हो तुम। नाक मत फुला करो, दिल आ जाता है आपके ऊपर। फोन कितना कर रहा है वो, उससे बात कर पहले, मेरे सामने बात कर। कर रही हूँ, कर रही हूँ। आप नाक मत फुला करो, दिल आ जाता है आपके ऊपर, दिल का लेजा सब आ जाता है। यार देखो मुझे ना एक सही लाइन। हेलो हेलो, अरे यार बेबी रुक जाओ, कहती हूँ तुझे मैं प्यार करूं। यहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहा? यहाँ पे आवाज क्लियर नहीं आती, आप बोल देते तो यार देख पता चल जाता। हंस के मत बोल, अब मैं मेरा बुद्धि अब ज्यादा कह सक रहा है। अगर आप बोल देते तो उसे पता चल जाता मैं आपके साथ। तो मतलब? तो मैंने उससे बोला ना सीधा मैं आपके पास आऊंगी, तो फिर आपके पास आ गई मैं मिलने। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो मेरे साथ तुम यार? बोला ना कर रही हूँ, रुक जाओ अभी। प्लीज यार मेरे को बता दो रितिका, प्लीज बता दो मेरे को यार। अच्छा। मेरे को अब घुटन हो रही है, बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। देखो ऐसे पर्सनल बातें बताई नहीं जाती, ठीक है? कोई भी बात आपकी भी होती होगी जो आप मुझे नहीं बताते होगे कि पर्सनल है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ मैं कहीं जा रही हूँ, बस ये नहीं बताई किस से मिलने जा रही हूँ, जा रही हूँ मिलने। यार मेरे को क्यों नहीं बता रहे हो, किस लिए नहीं बता रहे हो? शाम बेटा शाम चिल्ला के रो, चिल्ला मत, पब्लिक प्लेस है ये, चिल्ला तो मेरे को तो बता ही ना। छोड़ यार, मेरे से दूर रह, पागल हो? इतना बार फोन बज चुका है मेरे सामने में और बता नहीं रही कि कौन है कौन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बता दे मेरे को। तो ये जुर्म बार बार कर के जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं इधर आओ, इधर आओ। मैंने पूछा कौन है? इधर इधर बैठो, बता रही हूँ, इधर बैठो बता रही हूँ, आराम से, हाइपर मत हो। मैंने और फोटो डालूंगा, मैं बता रहा हूँ। इधर इधर आओ, इधर आओ, बता रही हूँ, इधर आओ, इधर बैठो, बैठो, बता रही हूँ, बता कौन है। बैठो, टच मत कर, टच मत कर, सब देख रहे हैं, शांत हो जाओ। कौन है, कौन है? शांत हो, हाय कौन हो आपको? मेरे का समय, शांत हो, शांत हो। वो मेरा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उससे मिलने जा रही हूँ।
क्यों जा रही मिलने? क्यों जा रही? मेरे से पूछा? मेरे से परमिशन लिया? शाम, अरे उसने मेरे को बोला कि काफी मेरे से परमिशन लिया है, हाँ या ना? मैं कौन हूँ? अब उसने मेरे को बोला कि मैं मिला मतलब तुम्हारी फ्रेंड इम्पोर्टेंट होगी, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेरे को बताया क्यों नहीं है? लड़का और लड़की मेरे को बताया क्यों नहीं? या मैंने इसलिए नहीं बताया, फिर यही होता, इसलिए मैं सोचा कि अपने आप चुपचाप से मिलके आ जाऊंगी, यही होता ही, लड़ाई हुई होती मैं बताती तो आपको, आप मुझे जाने नहीं देते। मैं बता रहा हूँ उसको, उसको मना कर। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। मतलब वो तेरे लिए इम्पोर्टेंट है? अरे उसको मेरे चेहरे पर नहीं दिख रहा। प्लीज एक मिनट बताओ, फोन है, फोन का पहले फोन का, ठीक है बात करते हैं। मेरे को बताओ कौन है? अगर नहीं बताया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ, मैं हमेशा के लिए तुझे भूल जाऊंगा फिर। ये क्या बात है, देखो भाई इतना कॉल आ चुका, कौन है? धीरे बोलो। इतना कॉल, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, इतना कॉल आ चुका है, वो कौन है? कौन नहीं है, मेरा फुल फ्रेंड है, उससे मैं बस मिलने जा रही हूं। मैंने तुझे बोला मिलने के लिए, मेरे से परमिशन लिया? इसलिए नहीं, मैंने बोला कि आप परमिशन नहीं दोगे इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। क्यों बुलाया मिलने के लिए? मुझे मिलना था। तुझे पता है मुझे पसंद नहीं है ना, तो किसी और से मिलने जाए? वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, वो नेचर वाइज भी अच्छा है। वो पता चल रहा है, वो पता चल रहा है कि कितना फोन आ रहा है, और अगर वो गलत नहीं होता ना तो मेरे को बताती, या तू भी गलत है फिर, जिसका मतलब तेरा भी मन है उससे मिलने का। मन है तभी तो जा रही है। देखो अब लड़ाई करने से कोई वो नहीं है, पकड़ो हाथ में भाई। देखो हाथ में बोलो भाई, देखो मैं एक चीज बोलूंगा कि मेरे को बताएगी कौन है वो, कौन नहीं है, मैं बता रही हूँ। अगर मेरे को नहीं बताया ना तो समझ ले कि मेरा रिश्ता और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। बता तो रही हूँ, फुल फ्रेंड है। बात कर मेरे सामने में। देखो मैं बात तो नहीं, और उससे मिलने नहीं जाएगी अब? यार अब तो मैंने बुला लिया, मैंने मना करा ना, मैंने मना किया है, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी क्योंकि मैं उसके लिए इतना रेडी होकर आई हूँ, और उसको मैंने बुला भी लिया, उसका इतना फोन भी आ रहा है, वो आधे घंटे से वेट कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है आप जाओ आराम से, हाइपर मत हो, मैं उससे मिल के आती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, सुभाष मुझे जाना पड़ेगा, आप चाहे आप मना करो चाहे हाँ करो, चाहे दो हमारे रिश्ता टूट जाए, पर मुझे जाना पड़ेगा, मेरे वेट कर रहा है आधे घंटे से। मतलब हमारा ब्रेकअप हो जाए लेकिन मंजूर है, लेकिन वो जरूरी है तेरी लाइफ में? जब लाइफ में जरूरी है उससे मिलना जरूरी है, क्योंकि वो आया हुआ है। देखो अब इतना गुस्सा करने में कोई वो नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो, ध्यान रखना, मैं आके फिर आपसे बात करती हूँ। अरे गुरक, दूर हट, मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। मैंने बोला दूर हट, प्लीज प्लीज मत कर, टच मत कर, मेरा अभी अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जाने मन जाने बाहर, देखो आई लव यू सिर्फ और सिर्फ यू। मैंने बोला हाथ छोड़ के बात करो, सिर्फ एक मजाक, दूर होके बात करो, एक मजाक, ये प्रैंक था, और मेरे फोन पे बार बार फोन क्या लास्ट आ रहा था, मैंने उसे बता रखा था। यार काम तो कर रहा है, इसको ही तो मुझे घाट है। कहाँ है? जाने मन जाने बाहर की पसंद, मैं प्रैंक कर रही थी। कैमरा कहाँ है? बाहर आ जा। यार बोले यार, कुछ बोलो, मूड खराब कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को अभी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज छोड़ो, मेरे को अच्छा ना लग रहा है यार।
तो गाइस प्राइम कैसा रेस्टोरेंट में जरूर बताना और सारे दिलाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैंने सोचा था खुद दमाद से डांस कर सकता कि इनका ऑफर हो जाए, पर अब मैं इनको प्यार करूँगी टूट टूट के। ध्यान रखना आप लोग, आप भी ठीक है, आपका तो मैं रख सकती हूँ, आप अपना वहाँ पे रखना, मैं बस बोल सकती हूँ। तो वीडियो कैसे आई भाई, कैमरा बंद करो यार, कपार मेरा उड़ रहा है, मेरा सर उड़ रहा है भाई, बंद करो कैमरा, बंद करो भाई, बंद करो।